लायंस क्लब अजमेर शौर्य द्वारा एचकेएच पब्लिक स्कूल के नर्सरी कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रकृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को उद्यान की सैर कराई गई। क्लब सचिव सुशीला राठौड़ ने बताया कि वैशाली नगर से शहीद भगत सिंह उद्यान में बच्चों को भ्रमण कराया गया, जहां बच्चों को झूले, चक्री सहित विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए गए, साथ ही उन्हें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी। क्लब उपाध्यक्ष सुनीता शर्मा के अनुसार इस अवसर पर दूषित वातावरण से बचाने और प्रकृति से प्रेम कराने के लिए नन्हे हाथों से पौधारोपण कराया गया। पेड़ पौधों की जानकारी सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी डॉक्टर एन के माथुर ने सभी बच्चों और उपस्थित जनों को दी। बच्चों को उद्यान में स्थापित फुलवारी की सैर कराकर विभिन्न फूलों और पौधों की प्रजाति के बारे में बताया। बच्चों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए बच्चों को समझाया गया। इस अवसर पर आभा गांधी की ओर से सभी बच्चों को उपहार दिए, क्लब की ओर से नाश्ता कराया गया। कार्यक्रम में सीमा शर्मा, सुनीता गर्ग, अभिलाषा विष्णोई, रीना श्रीवास्तव, शैलेश बंसल, अरुणा कछावा, ममता विष्णोई, आभा गांधी सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। स्कूल की अध्यापिका पुष्पा अलवानी और भगवती शर्मा के नेतृत्व में बच्चों ने उद्यान भ्रमण किया। अंत में उद्यान विकास समिति अध्यक्ष राजेंद्र गांधी ने सभी का आभार व्यक्त किया। शहीद भगत सिंह गार्डन में बुलाया गया और वहाँ पर वन महोत्सव के तहत पौधे लगाए गए, बच्चों से पौधे लगाए गए, नन्हे मुन्ने बच्चों को वन भ्रमण करवाया गया और गेम्स खिलाए गए, चक्री, झूले आदि सारे खिलाए गए और साथ में रिफ्रेशमेंट भी दिया गया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।